नमस्ते दोस्तों, राधा स्वादा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ आलू और ड्रमस्टिक की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसे आप रोटी या चावल किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी स्टार्ट करते हैं बनाना। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने आलू लिए हैं, 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया। और आलू को मैं स्किन के साथ ही बनाऊंगी, आप चाहे तो रिमूव कर सकते हैं स्किन। और यहाँ पे मैंने ड्रम स्टिक लिया है लगभग 250 ग्राम के करीब। और ड्रम स्टिक का मैंने जो ऊपर का इस तरह से जो छिलका होता है उसे मैंने हटा लिया है जितना हो सके, क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा होता है। तो ज़्यादा मोटा अगर ड्रम स्टिक आप ले रहे हैं तो उसे हटाना, इस तरह से ऊपर का जो छिलका है उसे ज़रूरी है। तो अब चलते हैं हम सब्ज़ी बनाने के लिए। गैस पे मैंने कढ़ाई रखी है और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब तेल। और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें आलू और ड्रमस्टिक दोनों को एक साथ डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे लगभग 4 से 5 मिनट भूनेंगे। जब ये दोनों थोड़ा सा भून जाएगा तब हम इसमें नमक डाल देंगे थोड़ा सा स्वाद के अनुसार, और थोड़ी सी हल्दी हम इसमें ऐड करेंगे। और हम इसे और 2 मिनट भून लेते हैं, 2-3 मिनट हमने इसे पहले भून लिया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों भून चुके हैं, इसे हम निकाल लेते हैं और आगे हम मसालों की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैं एक छोटा ग्राइंडर जार ले रही हूँ और इसमें हम लगभग 12 से 13 लहसुन की कली डालेंगे। मैं यहाँ पे बड़ा लहसुन की कली डाल रही हूँ इसलिए मैंने कम डाला, अगर आप छोटा डालें तो थोड़ा आप ज़्यादा डालें। आधा मैंने प्याज लिया है और 2 हरी मिर्च डाली है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तीखा आप डाल सकते हैं। और 1 बड़ा चम्मच मैंने सरसों के दाने लिए हैं, 1 छोटी चम्मच जीरा लिया है। और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका बिल्कुल बारीक सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मसालों को बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब हम चलते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। गैस पे मैंने एक बड़ा कढ़ाई रखी है और इसमें हम लगभग 2 बड़ा चम्मच के करीब सरसों का तेल ऐड करेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे जो हमने मसालों को पीस के रखा है उसे हम सारा यहाँ पे डाल देते हैं। और थोड़ा सा हम पानी जार में भी डाल देंगे क्योंकि जार में काफ़ी मसाला लगा हुआ है, थोड़ा सा पानी डाल के हम सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम मसालों को भूनेंगे अच्छे से, गैस का फ्लेम मीडियम और लो में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मसालों को मैंने लगभग 3 से 4 मिनट भून लिया है, पानी इसका सारा सूख चुका है। अब हम इसमें 1 बड़ा टमाटर डालेंगे, बिल्कुल पका हुआ टमाटर डालेंगे बारीक काट के। आप चाहे तो टमाटर को यहाँ पे पीस के भी आप डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट छोड़ देंगे ताकि टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। लगभग 2 मिनट के बाद कवर हटा लेते हैं और यहाँ पे देखिए टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। सूखे मसालों में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गोलकी का पाउडर लिया यानी काली मिर्च का पाउडर। और सभी चीज़ों को डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के हम मसालों को अब यहाँ पे बहुत ही अच्छे से भूनेंगे। तो मसालों को यहाँ पे अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सब्ज़ी में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो थोड़ा थोड़ा हम इसे पानी डालते हुए और कवर करके मसालों को बहुत ही अच्छे से भून लेंगे। मसालों को भूनते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मसालों का जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। इसे हम कवर कर करके भूनेंगे और थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी भी ऐड करते जाएंगे। लो फ्लेम पे हम मसालों को भून रहे हैं, बहुत ही अच्छे से भून चुका है। लगभग 10 मिनट से मैं मसालों को भून रही हूँ और यहाँ पे जो है मसाला बहुत ही अच्छे से भून चुका है, आप देख पा रहे होंगे इसका कलर, और इस पर तेल भी सेपरेट हो चुका है। अब हमने जो ड्रम स्टिक और आलू को भून के रखा है उसे हम इसमें डाल देंगे मसालों के साथ, अब हम इसे भूनेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले और हम इसे फिर से कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे कवर कर देते हैं। तो लगभग 2 से 3 मिनट के बाद कवर हटा लेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम इसमें नमक ऐड करेंगे और किचन किंग मसाला मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 छोटी चम्मच, और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और हम इसे फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो पानी आप जितना सब्ज़ी में ग्रेवी रखना चाहते हैं उससे आपको यहाँ पे ज़्यादा ऐड करना है, क्योंकि हमें अभी यहाँ पे सब्ज़ी को उबालना है, क्योंकि आलू जो है वो कच्चा है और ड्रमस्टिक भी अभी कच्चा है, अच्छे से पका हुआ नहीं है। तो पानी हम अच्छे से यहाँ पे डालेंगे, लगभग 2 से 2.5 कप के करीब पानी ऐड करेंगे और कवर करके हम इसे लो फ्लेम पे लगभग 15 से 20 मिनट उबलने देंगे। तो अच्छे से पानी मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें इसे कवर कर देते हैं और लो फ्लेम पे हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे उबलने के लिए। तो फ्रेंड्स, लगभग 20 मिनट मैंने सब्ज़ी को उबाल लिया है और आप देख पा रहे होंगे सब्ज़ी के ऊपर जो है तेल ऊपर आ गया है और आलू भी अच्छे से पक चुका है। तो अब सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। ग्रेवी भी मुझे इतनी ही रखनी है, अगर आपको ग्रेवी और सुखाना है तो आप इसे हाई फ्लेम पे थोड़ा सा सुखा सकते हैं।
अब हम गैस का फ्लेम बंद करके ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा आलू और ड्रमस्टिक का सब्जी बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, आलू और ड्रमस्टिक की गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार हो गया। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।